आनंदपुर आश्रम श्री सदगुरुदेव जी अप्रैल सन 1935 के आरंभ में पिप्पल भुट्टा आश्रम से आनंदपुर आश्रम में पधारे। वहां पर उन दिनों काफी अधिक संख्या में शरणागत परिवार और महात्मा जन रहते थे। महाप्रभु ने वैसाखी का शुभ पर्व बड़ी धूमधाम से यहां मनाया। श्री महाराज जी ने यहां पर बहुत सी लीलाएं की। एक दिन हृदय सम्राट स्वामी परम ज्ञानानंद जी और कुछ अन्य सेवादार महात्माओं के साथ सैर के लिए गए। एक घने वन के समीप पहुंचकर महाप्रभु ने कार वहीं रुकवा दी और स्वयं पैदल भ्रमण करने लगे। जब कुछ आगे गए तो अकस्मात झाड़ी में से किसी वन पशु की आहट हुई। आप साधारण मनुष्यों के समान डरकर वहां से भागे और अपने सेवादार महात्माओं को भी आज्ञा दी कि यहां से शीघ्र चलो, यहां कोई भयंकर वन पशु है। श्री सदगुरुदेव जी को इस प्रकार भयभीत देखकर स्वामी परम ज्ञानानंद जी के दिल में यह शंका उत्पन्न हो गई कि श्री महाराज जी निर्भय पद के वासी और अंतर्यामी होकर इस प्रकार क्यों डरे। उनके मन में सूक्ष्म रूप से इस शंका ने घर कर लिया कि जो दूसरों को अभय पद प्रदान करने वाले हैं वह स्वयं क्यों डरे। इस शंका को वह किसी दूसरे के सामने प्रकट भी ना कर सके और ना ही उन्होंने श्री चरणों में अपने इस भाव को रखा। उन्होंने मन में यह निश्चय कर लिया कि श्री महाराज जी को इस प्रकार नहीं डरना चाहिए था। थोड़ी देर के पश्चात महाप्रभु सैर से लौट आए। दूसरे दिन गुरुदेव फिर सैर के लिए चल पड़े। अंतर्यामी सदगुरुदेव महाराज जी अपने सेवकों की भावनाओं को भली भांति जानते थे। पैदल सैर करते करते महाप्रभु काफी दूर निकल गए। तब एक स्थान पर हरी हरी घनी घास को देखकर गुरुदेव वहीं खड़े हो गए और अपने सेवकों को सत्संग सुनाने लगे। सभी महात्मा जन एकाग्रचित होकर सत्संग श्रवण करने लगे। तब अकस्मात स्वामी परम ज्ञानानंद जी की दृष्टि श्री चरणों पर पड़ी। स्वामी परम जी यह देखकर बहुत चकित रह गए कि एक बड़ा भयानक काले रंग का सांप श्री महाराज जी के चरणों में बैठा है। सांप ठंडी घास में लेटकर श्री चरणों का दर्शन कर रहा था। कभी कभी वह सदगुरुदेव जी के चरणों को छू भी लेता था। इस भयानक दृश्य को देखकर वह श्री महाराज जी को ना तो बाजू से पकड़कर एक ओर कर सके और ना ही उस भयंकर सांप को वहां बैठा देख सके। गुरुदेव के सत्संग में कोई विघ्न ना पड़े इस विचार से वह कुछ ना बोले। फिर जब सांप सिर उठाकर श्री महाराज जी की टांग पर चढ़ने लगा तो इन्होंने भयभीत होकर ऊंचे स्वर से कहा, गुरुदेव आपके चरणों में सांप लेट रहा है। सम दृष्टि महाप्रभु कुछ भोले बनकर बोले, कहाँ है भैया? भैया हमको तो दिखाई नहीं देता, फिर यहां सांप का क्या काम? तब सांप को अपने चरण कमलों में एक ओर धकेल कर दाता दीनदयाल जी बोले, व्यर्थ शोर मत किया करो। फिर स्वयं ही श्री महाराज जी एक ओर हटकर कहने लगे, अच्छा यदि आपको यहां कोई भय दिखाई देता है तो हम कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि सांप डर वाली वस्तु जो हुई, वैसे यदि सोचा जाए तो यह भी आपके समान ही सत्संग सुनने अथवा दर्शन करने आया होगा। फिर संकेत रूप में महाप्रभु ने यह भी कह दिया कि हो सकता है यह किसी का शंका समाधान करने आया हो। स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए कहा कि दाता जी, मेरे मन में कल यह संशय हो गया था कि आप निर्भय पद के स्वामी होकर एक वन पशु से डर कर क्यों भागे। हे गुरुदेव, आज आपने मेरी कल वाली शंका का समाधान कर दिया है। श्री महाराज जी ने स्वामी परम जी का प्रेम देखकर अपनी महिमा को बातों में ही टाल दिया। गुरु दरबार का परमार्थिक कार्य व्यवहार बहुत फैल चुका था। प्रेमियों के प्रेमवश श्री महाराज जी को कभी एक स्थान पर तो कभी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था।
इस कार्य व्यवस्था के कारण गुरुदेव के पवित्र शरीर को भी काफी कष्ट हो जाता था। अब इस व्यवहारिक कार्य को संभालने के लिए विशेष प्रबंध की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। महाप्रभु ने बहुत विचार विमर्श करके अपनी साधु मंडली से इन 6 महानुभावों को इस व्यवहार के लिए नियुक्त किया। पहला है स्वामी निजात्मानंद जी, दूसरा स्वामी वैरागानंद जी, तीसरा स्वामी बेअंतानंद जी, चौथा स्वामी अभेदानंद जी, पांचवा स्वामी अजुनियानंद जी, 6वां स्वामी सत्विचारानंद जी। श्री महाराज जी ने इन महात्माओं को आज्ञा दी कि पहले आप लोग किसी विशेष कार्य के संबंध में आपस में परामर्श कर लिया करो, फिर आवश्यकता अनुसार कार्यपूर्ति के लिए दूसरे महात्माओं को भी साथ मिला लिया करो। इस विधि से गुरु दरबार के व्यवहार को चलाना होगा। अब गुरुदेव की मौज एक स्थान पर विराजने की हुई। श्री महाराज जी अपने प्रेमियों से कभी कभी पूछा करते थे कि मेरा निवास स्थान कहाँ हो और कैसा हो, क्योंकि अब मैं एक स्थान पर रहकर विश्राम करना चाहता हूँ। कुछ प्रेमियों ने अपनी भावना प्रकट करते हुए कुछ नक्शे भी बनाने आरंभ कर दिए, जिनमें उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के निवास स्थान की रूपरेखा बनाई। 2-4 प्रेमियों ने तो यह नक्शे श्री चरणों में भेंट भी कर दिए। उन नक्शों को देखकर श्री महाप्रभु हंस पड़ते। फिर गुरुदेव ने सभी सदग्रस्तों अर्थात शरणागत प्रेमियों और संत महात्माओं से कहा कि सब लोग नक्शे बनाओ। 2-4 दिन में ही अनेक नक्शे तैयार हो गए। उनमें कुछ नक्शे ऐसे भी थे जिनको कागज पर बनाने में तो कुछ ही पैसे खर्च हुए होंगे, परंतु जिनको वास्तविक रूप देने में 2-4 लाख रुपए भी कम थे। फिर सदगुरुदेव जी ने अपने सेवकों की प्रेम परीक्षा लेने के लिए उच्च स्वर में कहा, मेरा स्थान कौन कौन बनाएगा, हाथ खड़े करो। अभी यह शब्द श्री महाराज जी पूर्ण रूप से कह भी ना पाए थे कि हजारों हाथ एकदम खड़े हो गए। सभी यही कहते थे कि श्री महाराज जी का स्थान हम बनाएंगे। फिर गुरुदेव ने प्रेमियों को आज्ञा दी कि जो जो मेरा स्थान बनाने के लिए तैयार हो वह कमर बांध लो। अब तो वह जन समूह कमर बांधे तैयार खड़ा दिखाई देने लगा। उन्हीं दिनों श्री महाराज जी ने लगभग 200 शरणागत परिवारों को संन्यास भेज दे दिया। श्री स्वामी निजात्मानंद जी के शारीरिक नाते से बड़े सुपुत्र स्वामी ध्यान अखंडानंद जी को भी उन्हीं दिनों संन्यास भेष मिला। सैकड़ों नर नारी भगवे भेष के लिए लालायित रहते थे। कई कई दिन उन्हें प्रार्थना करते हो जाते थे, परंतु श्री महाराज जी उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही दिन में 50-60 सज्जनों को संन्यास भेष मिल जाता था। यह तो देने वाले की मौज पर निर्भर था कि किसकी झोली खाली रखें और किसकी भर दें। फिर महाप्रभु कई मन शक्कर पारे बनवाकर उनका प्रसाद बांटते थे। यह प्रसाद प्रेमियों को 1-2 शक्कर पारों का नहीं बल्कि शेरों के हिसाब से मिलता था। श्री महाराज जी दोनों हाथों से लुटाते थे और फिर लूटने वाले अपनी झोलियां भर लेते थे। ऐसा 1-2 बार नहीं, अनेक बार होता था। यहां भी श्री महाराज जी का पावन सत्संग संगत बड़े प्रेम से सुनती थी। हृदय सम्राट के दर्शन खुलने से पहले प्रेमी जन द्वार पर खड़े होकर भजन कीर्तन द्वारा अपनी पुकार श्री चरणों में पहुंचाते थे। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुल जाते तो प्रेम विभोर होकर गुरु भक्त यह भजन गाते थे। चन चढ़िया महाराज अज सानू चन चढ़िया, चन चढ़िया महाराज अज सानू चन चढ़िया। गुरुवाणी के दूसरे भजन की पहली पंक्ति यह थी, चढ़िया लोको गुरु सच दा चंद्रमा, चढ़िया लोको गुरु सच दाच धर्मा। हृदय सम्राट के प्रेमी सेवकों में एक भक्त कुंदन सिंह जी गढ़वाल के रहने वाले थे। वह पंजाबी भाषा पूर्ण रूप से अभी नहीं समझते थे,
उनके जिम्मे लंगर की सेवा थी। दूज की रात्रि थी, नीले आकाश पर बाल चंद्र शोभायमान था। श्री कुंदन सिंह जी और उनके साथियों को लंगर में सेवा करते हुए कुछ देर हो गई। इतने में एक महात्मा ने श्री कुंदन सिंह जी से पंजाबी में कहा, कुंदन सिंह वेख चन चढ़े आए, अर्थात चंद्रमा उदय हुआ है, दर्शन कर लो। श्री कुंदन सिंह जी ने वहीं से उत्तर दे दिया, अभी चांद नहीं चढ़ा। महात्मा जी कहने लगे, बाहर निकलकर देखो। किंतु कुंदन सिंह जी ने बाहर निकलकर आकाश में देखने की बजाय श्री महाराज जी की हवेली की ओर देखकर कहा, अभी चांद नहीं चढ़ा। महात्मा जी ने आकाश के चंद्रमा की ओर संकेत करके कुंदन सिंह जी से कहा, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? यह देखो, चांद चढ़ा हुआ है। महात्मा जी का उत्तर सुनकर भोले भक्त कुंदन सिंह जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महात्मा जी, आप इस चंद्रमा को चढ़ा हुआ कहते हैं? मैं तो यही समझ रहा था कि जब ढोलक बाजे बजते हैं, भजन संकीर्तन होता है और श्री महाराज जी के दर्शन खुलते हैं, तभी चांद चढ़ा हुआ कहते हैं। हम तो नित्य प्रति यही भजन सुनते हैं कि चन चढ़या महाराज, चन चढ़या। यह तो आपने आज ही बताया है कि इसको भी चन चढ़या कहते हैं। भोले प्रेमी, कुंदन सिंह जी की बात व्यर्थ ना थी। सच्चे प्रेमी के लिए तो चांद उसी समय चढ़ता है जब उसे अपने प्रीतम के दर्शन होते हैं। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदया गुरु बिन घोर अंधार। उन्हीं दिनों पंजाब से स्वामी निजात्मानंद जी अपने सत्संगियों सहित श्री इष्ट देव भगवान को लेने के लिए आनंदपुर पहुंचे। लगभग 2 महीने आनंदपुर में विराजमान रहकर श्री महाराज जी वहां से पंजाब आने के लिए विदा होने लगे तो प्रेमी जन गुरुदेव को जाने नहीं देना चाहते थे। श्री सदगुरुदेव जी ने ड्राइवर श्री हरनाम सिंह जी को कार चलाने की आज्ञा दी, परंतु सेवकों ने कार के चारों ओर दंडवत प्रणाम कर दिया। लीलाधारी प्रभु ड्राइवर को बार बार गाड़ी चलाने के लिए कहने लगे, किंतु वहां तो कई प्रेमी गाड़ी के नीचे पड़े हुए थे, गाड़ी चले भी कैसे? अब श्री महाराज जी की विलक्षण लीला देखिए कि गाड़ी को चलते किसी ने नहीं देखा, पर यह सबने देखा कि कार जन समूह को पार कर मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर खड़ी थी। जो प्रेमी गुरु आज्ञा पाकर भी दंडवत प्रणाम किए हुए थे वे भी स्वयं ही उठ भागे। प्रेमी जनों ने मोटर को फिर घेर लिया। इस प्रकार कई घंटे व्यतीत हो गए। अब दाता दीनदयाल जी ने एक नई लीला की। उन्होंने एक पलंग मंगवाया और उस पर विराजमान हो गए। अब सेवकों ने मोटर को छोड़कर पलंग को घेर लिया। अपनी मौजवश गुरुदेव कहने लगे, एक ओर से महात्मा जन और दूसरी ओर से गृहस्थी लोग पलंग को उठाएं। इनमें से एक दल सदगुरुदेव जी को पंजाब लाने के लिए कह रहा था और दूसरा दल उनको आनंदपुर में ही विराजमान रहने के लिए बाध्य कर रहा था। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार उन प्रेमियों ने पलंग को उठाया। एक दल पलंग को आनंदपुर ले जाना चाहता था तो दूसरा दल पंजाब की ओर मुख किए था। इसी प्रेम प्रसंग में श्री महाराज जी आनंदपुर आश्रम और मुख्य सड़क के मध्य में पहुंच गए। सदगुरु प्रेमियों को यह भली भांति सिमरण होगा कि श्री इष्टदेव भगवान ने श्री स्वामी निजात्मानंद जी को अक्रूर की उपाधि देकर एक कमरे में बंद कर दिया था। श्री स्वामी जी कई घंटे अक्रूर बने, एक ताले में बंद पड़े रहे। महाप्रभु ने एक सेवक को भेजकर स्वामी निजात्मानंद जी को भी बुलवा लिया। साथ ही गुरुदेव ने गुप्त रूप से एक दूसरा पलंग मंगवा लिया। इस प्रेम प्रसंग में महाप्रभु ने कुएं के समीप पहुंचकर सर्व सेवकों को रुकने की आज्ञा दी और कहा कि इस कुएं से जल लाया जाए। सेवादार तुरंत जल का गिलास भर लाए। हृदय सम्राट बोले, इससे क्या बनेगा, गागर भर कर लाओ। यहां और भी बहुत प्रेमी प्यासे हैं, परंतु उन्हें जल की प्यास से दर्शन की प्यास कहीं अधिक है। अच्छा, अब अपनी अपनी प्यास बुझाओ, यह दर्शन फिर किसी भाग्यशाली को होंगे।
यह अंतिम दर्शन है, खूब प्यास बुझा लो। सेवादार जल के गिलास भर भर कर ला रहे थे और वह जल संगत में बरसाया जा रहा था। वह अमृत बूंदें प्रेमियों के लिए वास्तव में ही स्वाति बूंदों का कार्य कर रही थी, क्योंकि सेवकगण चातक पक्षी की भांति गर्दन उठाए एक एक बूंद को ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। सेवादार जहां हाथ से जल नहीं पहुंचता था, वहां गिलास से जल पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे, ताकि कोई उस अमृत जल से वंचित ना रह जाए। दयालु प्रभु स्वयं तो दो चार घूंट ही जल ग्रहण कर सके, गिलास में थोड़ा सा जल बच गया। दाता दीन दयाल जी ने आज्ञा प्रदान की कि इस जल को कुएं में डाल दो, क्योंकि इसका पानी कभी कभी सूख जाता है। वह जल डालने से उस दिन के पश्चात उस कुएं का पानी कभी समाप्त होने में ना आया। श्री महाराज जी ने प्रेम परीक्षा लेने के लिए अपने सेवकों को कहा, आप दोनों में से जो दल जीत जाएगा हम उधर ही जाएंगे। प्रेमियों ने जोर लगाया, इसका परिणाम यह हुआ कि पलंग के पाए और बाजू अलग हो गए। महाप्रभु तत्काल दूसरे पलंग पर विराजमान हो गए। फिर हृदय सम्राट अपने प्रेमियों को संबोधित करके बोले, आप सब प्रेमी हो, आप लोगों ने मेरे निवास के लिए बहुत सुंदर नक्शे बनाए हैं, परंतु यह सुंदर स्थान कहाँ बने और किस नगर अथवा गांव में हो, इसके विषय में आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब यह मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं कहाँ पर अपना निज स्थान बनाऊं। इस समय मैं आनंदपुर आश्रम और मुख्य सड़क के मध्य में हूँ। इस स्थान मध्य में है, मेरा निवास स्थान भी मध्य में ही बनेगा। यह भेद उस समय खुला जब श्री महाराज जी ने श्री नंगली साहिब जिला मेरठ में आकर अपना निज स्थान श्री नंगली साहिब गुरुद्वारा बनवाया। श्री नंगली साहिब एक ओर चकोड़ी आश्रम पंजाब और दूसरी ओर आनंदपुर आश्रम ग्वालियर के मध्य में है। अंतिम दर्शन। हृदय सम्राट श्री सदगुरुदेव जी आनंदपुर आश्रम से दिल्ली होते हुए जून सन 1935 में चकोड़ी आश्रम में पधारे। श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए प्रत्येक आश्रम से महात्मा जन चकोड़ी आ गए। अब चकोड़ी आश्रम उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच चुका था। हजारों की संख्या में श्री इष्ट देव भगवान के चरण रज उपासक महात्मा और शरणागत सदगृहस्थ परलोक वाली कुटिया में निवास करते थे। संगत के विश्राम के लिए अनेक कुएं, बागीचे और पंप लगाए गए थे। काफी संख्या में कमरे भी बने हुए थे। इसी सुंदर आश्रम में पंजाब, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत, सिंध तथा भारत के अन्य प्रांतों से जिज्ञासु सदगुरुदेव जी के दर्शन के लिए आते थे। हजारों व्यक्तियों के लिए गुरुदेव का अटूट लंगर चल रहा था। दाता के घर में किसी वस्तु की कमी ना थी, हर समय खजाने भरपूर थे। इस दर से निराश होकर कोई नहीं गया। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। महाप्रभु की मौज अब काफी समय यहां विराजमान रहने की हुई। इससे पहले श्री इष्ट देव भगवान ने लगभग सभी प्रमुख स्थानों में चक्कर लगाकर अपने प्रेमियों को शुभ दर्शन दिए। श्री महाराज जी चाहते थे कि कोई प्रेमी दर्शन से वंचित ना रह जाए। दयालु प्रभु दया के भंडार खोल चुके थे। जुलाई मास में आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा को गुरु पूजा का पवित्र त्योहार था। उस दिन इस आश्रम की शोभा देखने वाली थी। पंजाब का कोई विरला ही प्रेमी अपने घर में रह गया। शेष सभी गुरु भक्त व्यास पूजा का पर्व मनाने चकोड़ी आए। व्यास पूजा के दिन हृदय सम्राट को प्रेमियों ने पूर्ण शास्त्र विधि अनुसार पूजन किया और पवित्र आरती उतारी। साथ ही उन्होंने अपनी यथा योग्य श्रद्धांजलि भी श्री चरणों में अर्पण की। इस शुभ अवसर पर श्री महाराज जी ने अपने प्रेमियों को विशेष सत्संग उपदेश दिए। उन दिनों लगभग 700 महात्मा जन श्री चरणों में थे। एक दिन कुछ महात्माओं ने विनती की, दाता दीनदयाल जी, आप सब स्थान स्थान पर
अब घूमना छोड़कर एक ही स्थान पर विराजमान होने की कृपा करें। इस प्रकार भ्रमण करने से आपके पवित्र शरीर को कष्ट होता है और सेवक पूर्ण रूप से सेवा भी नहीं कर पाते। हम दासों को सेवा बख्शने की कृपा कीजिए। हमने त्याग कर भेष भगवा आपकी सेवा के लिए ही धारण किया हुआ है। सेवक सेवा से वंचित रहकर सेवक किस प्रकार कहला सकता है? श्री इष्ट देव भगवान जी, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इस प्रकार गुरु भक्त कई दिन विनती करते रहे। श्री महाराज जी सदा यही उत्तर देते, समय आने पर आपको बताया जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत अधिक है। हम अपने कार्य को पूरा करके ही दम लेंगे। संतों का जीवन संसारी जीवों के लाभ हित ही होता है। जो साधु अपने लिए जीता है अथवा खाता पीता है, वह साधु नहीं बल्कि गृहस्थियों पर बोझ है। गृहस्थी के अन्न को खाकर विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करना साधु को शोभा नहीं देता। ऐसे साधु से संसार को क्या लाभ होगा? संसारी का टुकड़ा, नौ नौ उंगल दांत, भजन करे तो उभरे, नहीं फाड़ उखाड़े आंत। साधु गृहस्थी के अन्न को ग्रहण तो करता है, परंतु बिना भजन अभ्यास और परोपकार के वही अन्न उसका पतन कर देता है। गृहस्थी तो उसे साधु जानकर सेवा करता है, परंतु उसे भी साधु बनना चाहिए। यदि वह साधु नहीं बन पाया और केवल भगवे वस्त्रों को ही साधु मान बैठा है तो वह नर्कगामी होगा। पूजा के योग्य ना होकर पूजा करवाना साधु का धर्म नहीं, यही कलयुग के लक्षण है। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, सतगुरु पूरा ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग यति का पहन कर, दर दर मांगी भीख। ऐसे गुरु जो शिष्य को शीघ्र संन्यास भेष दे देते हैं, वह स्वयं भी भूल में हैं और वह भजन सिमरन की युक्ति नहीं जानते। वह शिष्यों को यतियों जैसा स्वांग धारण करा के भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। साधु तो दाता होता है, वह मंगता नहीं होता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाक्य है, चार पदार्थ जे को मांगे, साध जनों की सेवा लागे। मांगने से गृहस्थी क्या समझेंगे कि साधु हमारे ही द्वार पर आकर अन्न वस्त्र के लिए हाथ फैलाते हैं, इसलिए हम दाता हैं। हमारे बिना इन साधुओं का पालन कौन करे? ऐसे गृहस्थियों का परमार्थ और व्यवहार दोनों बिगड़ जाते हैं, और बिगाड़ने वाला भी वही साधु होता है जो स्वयं पूरा ना होकर भीख द्वारा पेट भरता है तथा गृहस्थियों को तंग करता है। महापुरुषों का वाक्य त्रिकाल सत्य है, तब लग योगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब योगी आशा करे, जगत गुरु वह दास। साधु के मन में अपने निर्वाह की चिंता का होना ही उसके पतन का कारण है। यदि साधु ठीक साधु है तो संसार और उसके पदार्थ धक्के खाते उसके पीछे आएंगे और फिर साधु उसे स्वीकार नहीं करेगा। आशा का बने रहना ही दुख का कारण है। गुरु तब तक गुरु है जब कोई आशा ना रखे। यदि दूसरे की जेब का ही ध्यान बना रहा तो वह गुरु किस बात का हुआ? गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु न ले, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। जब गुरु अपने स्वार्थ का त्याग करके सेवक के परमार्थ हित धन लेगा तो इसमें शिष्य का कल्याण है।
क्योंकि गृहस्थी जब तक अपनी कमाई से उपकार ना करे तब तक गृहस्थ भी नरक है। सेवक का कर्तव्य है कि गुरु को सर्वस्व अर्पण कर दे और गुरु उसे स्वीकार कर ले, परंतु उसमें गुरु का अपना स्वार्थ सिद्ध ना हो। भाव यह है कि वह शिष्य से कुछ भी ना ले, केवल उसकी सच्ची भावना को देखे। इस प्रकार श्री महाराज जी महात्मा जनों को विशेष उपदेश दिया करते थे। संतों की विनती के विषय में श्री महाराज जी बोले, आप लोगों ने मुझे एक स्थान पर बैठने के लिए कहा है, मुझे आपकी विनती स्वीकार है। अब बताइए कि मैं किस स्थान पर बैठूं और वह कैसा स्थान हो। तब किसी प्रेमी ने कोई और, किसी ने कोई स्थान बताया। जब सब अपनी मनोभावना प्रकट कर चुके तो श्री महाराज जी बोले, यदि मैं एक स्थान पर बैठना भी स्वीकार करूं और स्थान तथा तिथि भी आप ही निश्चित करो, तो यह फिर मेरे ऊपर आज्ञा हो जाएगी जिसकी सेवक धर्म अनुमति नहीं देता। इसलिए इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं अब कब और कहां बैठूंगा। अब आप मेरे मंदिर अर्थात सदा रहने के स्थान का नक्शा बनाओ। गुरु आज्ञा पाकर कुछ शिरोमणि महात्माओं ने कुछ नक्शे बनाकर भेंट किए। श्री महाराज जी ने उनमें से एक नक्शे को बहुत पसंद किया। उस नक्शा में यह योजना थी कि मध्य में सत्संग भवन अर्थात श्री महाराज जी का आसन हो, जिसके अनेक दरवाजे हों। उस भवन के चारों ओर काफी आंगन छोड़कर महात्माओं के कमरे हों। जब दर्शन खुलने की घंटी बजे तो सब वहां इकट्ठे हो जाया करें और फिर दर्शन करके अपनी अपनी कुटियाओं में चले जाएं। उस समय श्री महाराज जी बोले, ऐसा समय आ रहा है कि हमारे दर्शन दूर से शीशे में ही हुआ करेंगे। इतनी भीड़ हुआ करेगी कि हर एक के पूर्ण रूप से दर्शन भी ना कर सकेगा। यह महाप्रभु का भविष्य में संकेत था कि हमारी मूर्ति के दर्शन होंगे। उस समय सर्वसाधारण जिज्ञासु इस रहस्य को ना समझ सके। कुछ देर पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज अपनी मौज में आकर कहने लगे, हमारी सेवा कौन कौन करेगा। श्री महाराज जी के यह वचन सुनते ही सब प्रेमी तैयार होकर खड़े हो गए। एक सेवक अपनी भावना प्रकट करते हुए कहने लगा कि मैं सोने का आसन तैयार करूंगा। दूसरा बोला, मैं चांदी का पलंग तैयार करूंगा। सब अपने अपने प्रेम को प्रकट कर रहे थे। हृदय सम्राट महाप्रभु के पलंग को सेवकों ने कंधों पर उठाया हुआ था और बारी बारी यह सेवा सबको मिल रही थी। कुछ देर पश्चात श्री महाराज जी बोले, हमारे पलंग को उठाने का अर्थ जानते हो क्या। कोई भी प्रेमी इसका ठीक उत्तर ना दे सका। फिर स्वयं ही गुरुदेव बोले, इस समय आप सबने मुझे अपने अपने सिर पर उठाया हुआ है, आप नीचे खड़े हो और मैं आप सबके ऊपर हूं। इस समय को सदा याद रखना, जहां भी जाओ मुझे हर समय अपने अंग संग और सिर पर उपस्थित जानना। मैं केवल इसी घड़ी के लिए ही आपके सिर पर नहीं हूं, बल्कि इसी प्रकार सदा आपके सिर पर खड़ा रहूंगा। जो सत्य नाम सहज योग निरक्षर नाम ब्रह्म चिंतन आत्म विचार और साक्षी स्वरूप का मार्ग मैंने आपको बताया है, उसका डंका सारे संसार में बजा दो। जहां जाओ परोपकार करो, परंतु एक बात सदा याद रखना, स्वयं कभी गुरु ना बन बैठना। संसार वाले आपको गुरु कहें तो कहें, परंतु आप अपने को कभी गुरु ना समझना। इसके पश्चात अत्यंत कृपा करते हुए महाप्रभु ने अपना हाथ उठाकर बाई नासिका के तिल पर रखते हुए कहा, गुरु के इस चिन्ह को याद कर लो, यही तिल वाला आपका गुरु है। ऐसे गुरु को कभी ना भूलना। तब सद्गुरुदेव जी ने आज्ञा दी, इस वाक्य को याद कर लो। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु।
जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिर फिर कष्ट गर्भ में झूले। श्री महाराज जी कहने लगे, गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है जिसे जीव बुद्धि नहीं जानती। ऐसी आज्ञा को जो सेवक भूल जाता है वह अनेक जन्म दुखी रहता है। गुरुदेव फिर बोले, मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा जहां प्रत्येक प्रेमी सुविधा पूर्वक आ सके और किसी को दूर की यात्रा का कष्ट ना हो, सभी समान रूप से दर्शन कर सकें। इस प्रकार श्री महाराज जी अपने निज स्थान श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहिब के विषय में गुप्त संकेत देते रहे। एक बार महाप्रभु ने महात्मा जनों को आज्ञा दी कि सब अपने अपने कमरे बांधो। महात्माओं ने अपने तौलिए दुपट्टे आदि से अपनी कमरे बांधी। दाता दीन दयाल जी कहने लगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि कमरे क्यों बंधवाई हैं। यह कथन प्रसिद्ध है। लक बद्धा रोड़िया मुन्ना कोह लाहौर। लोगों ने गलत शब्द प्रयोग किए हैं और इसके अर्थ भी गलत लगाए हैं। ठीक शब्द यह है, लक बद्धा लोड़िए मुन्ना को लाहौर। इसका भाव यह है कि आप लोगों ने अपनी अपनी कमरे बांधी हैं, इसलिए लाहौर चाहे यहां से कितनी दूर क्यों ना हो, आपके लिए कुछ भी दूर नहीं। मुझे आशा है कि आप सब काफी परमार्थिक कार्य करके दिखाओगे। एक दिन श्री महाराज जी अपने सत्संग में कहने लगे कि हमारे दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में प्रेमी जन आते हैं, परंतु जिस भाव से आते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलेगा। कई लोग भिन्न भिन्न प्रकार की कामनाएं लेकर आते हैं और कई गुप्त भेद जानने को आते हैं। कल्याण के अभिलाषी सच्चे जिज्ञासु बहुत कम आते हैं। सदा सिमरन रखिए कि जो अपने दृष्टिकोण को ठीक नहीं रखते उनका आंख साथ छोड़ देगी। जीव को यह आंख इसलिए मिली थी कि वह देख कर चले। सारे शरीर की गुरु आंख है। जो मार्ग दिखाकर शरीर को ठीक स्थान पर पहुंचाती है, इन नेत्रों से महापुरुषों के और पवित्र स्थानों के दर्शन करने थे, परंतु पाप आत्माओं ने इसे उल्टा काम लेना आरंभ कर दिया। प्राय स्त्री को देखकर वे अपना परलोक बिगाड़ते हैं। वह जीव कहते हैं कि हम दर्शन करने के लिए आए हैं, परंतु यहां तो सत्य का बोलबाला है। इस दरबार को वही जानेगा जो इस जैसा बनेगा। जो समय आप लोगों के हाथों में आ चुका है, शायद फिर खोज करने पर भी ना मिले। अब आप समय का आदर नहीं करते और अपने मन की आज्ञा को ही गुरु आज्ञा जान रहे हो। यह मन गुरु का शत्रु है और गुरु इस मन का वैरी है। आप लोगों को सिमरन होगा कि जिस समय मेरे पास आकर शिष्य बने थे तो आपने मन की शिकायत मुझसे की थी। श्री महाराज जी, यह मन बड़ा दुष्ट है, इसे प्रभु भक्ति में लगाने का यत्न बताइए ताकि हमारा मन शांत हो जाए। इसे मारने का यत्न और सिमरन विधि बताइए। मैंने तो आपके मन के विरुद्ध ही मार्ग बताया, परंतु आपने उसी दिन से मेरी और अपने मन की शत्रुता करवा दी। आज वही मन जिसे आपने अभी तक मेरे अर्पण नहीं किया था, वह धोखा देता है। संसार के बंधन छूटने पर मन आपको दूसरे बंधनों में डालना चाहता है, परंतु सावधान रहना, यह मन परमार्थ का नहीं जानता। संत कबीर साहिब जी का कथन है, मन मतंग माने नहीं जब लग खता न खाए। जैसे विधवा स्त्री गर्भ लिए पछताए। समय पर किसी भाग्यवान का ही मन वास्तविकता को समझेगा। पहले महापुरुषों के समय में भी इसी प्रकार मन के हाथों लोग धोखा खाते रहे हैं।
जब वह महापुरुष चले गए तो फिर उनकी पूजा आरंभ हो गई। यह मन मानी भक्ति है। गुरु आज्ञा पालन को ही वास्तविक भक्ति कहा गया है। गुरु आज्ञा में बंधा हुआ ही निर्बंध होगा। जो निर्बंध होना चाहता है कि मैं गुरु के अधीन क्यों रहूं, वह मन की आज्ञा में बंधा रहकर नरक जाएगा और उसे पश्चाताप करना पड़ेगा। समय आने वाला है कि ऐसा तूफान उठेगा कि बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ जाएंगे, उनकी शाखाएं नीचे और जड़ें ऊपर हो जाएंगी। माताएं अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर भाग जाएंगी। लोग घर बार का त्याग करके बेघर हो जाएंगे। जिसे रूप धन और परिवार का अहंकार है, उसे यही रूप धन संपत्ति और परिवार छोड़कर भागना पड़ेगा। संसार के महापुरुष अपना रूप बदलकर अलोप हो जाएंगे। अपनी आंखों से वह इस अंधकार को नहीं देख सकेंगे। विधाता का ऐसा ही विधान है। जो जीव महापुरुषों की शरण में रहेंगे, उनका बाल बांका ना होगा। जैसे होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर जलती लकड़ियों में बैठी थी और उसने प्रह्लाद से कहा था कि तुम्हारा पिता तुम्हें जीवित जलाना चाहता है, तुम मेरी गोद में आ जाओ, भगवान के वरदान के फल स्वरूप मुझे आग स्पर्श नहीं करती। इस प्रकार तुम भी नहीं जलोगे, तुम्हारे पिता का दंड भी पूरा हो जाएगा। उस दुष्ट ने प्रह्लाद को धोखा दिया, परंतु भगवान तो सदा अपने सच्चे भक्त के अंग संग होते हैं। उन्होंने अपना वरदान लौटा लिया। होलिका जल गई, परंतु प्रह्लाद जीवित रहा। आज भी लोग उस परंपरा के अनुसार गुड़ और आटे की रोटी के ऊपर सूत का कच्चा धागा बांधकर होली की आग पर वह रोटी पकाते हैं। और उस विधाता की अद्भुत लीला देखिए कि रोटी तो पक जाती है, परंतु धागा नहीं जलता और पूरे का पूरा साफ उतर जाता है। इसलिए प्रेमियों, उस आने वाले भयंकर समय में भी वही बचेगा जो प्रह्लाद के समान सत्यवादी होगा। श्री कबीर जी का कथन है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत रहा न कोए। ठाड़ी चक्की देख कर दिया कबीरा खिल, वही दाना बच गया जो गया किली से मिल। दाना पीसने वाली चक्की के दोनों पार्ट चलते हैं, जितने दाने डालो पिसकर बाहर निकलते हैं। कबीर जी यह दशा देखकर उदास हो गए। संसार में दिन और रात दो पार्ट चलते हैं, इनमें जीव रूपी दाने आकर पिस रहे हैं, इनसे बचने का कोई उपाय नहीं। फिर जब चक्की को खड़ा देखा और ऊपर का पार्ट उठाया तो बीच की किल्ली के साथ जो दाने लगे हुए थे वे पूरे के पूरे साबत थे। यह दृश्य देखकर कबीर जी हंसकर बोले कि वही दाने अर्थात जीव बचेंगे जो इष्ट देव भगवान की शरण में रहेंगे। ठीक ऐसे ही आने वाले समय में होगा। उस समय को संसार वाले अनहोना समय कहेंगे, परंतु वह आकर रहेगा। काल रात्रि में किसी को मार्ग नहीं मिलेगा। चारों ओर हत्याएं होती हुई दिखाई देंगी। स्त्री पति को छोड़ेगी और पति स्त्री को छोड़कर भागेगा। एक दूसरे का साथ देना कठिन हो जाएगा। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे आपस में लड़ेंगे। धर्म स्थानों का अपमान होगा। जो लोग इस समय का आदर नहीं करते वे पछताएंगे। फिर हाथ मलने और सिर पीटने से कुछ ना बनेगा। हम सर्व साधारण प्रेमियों को 12 वर्ष पश्चात दर्शन देंगे। हम पंजाब में नहीं आएंगे, बहुत कम लोग ही हमें मिल सकेंगे। समय का आदर करो, समय आपका आदर करेगा। यह धन का आदर करो, धन आपका आदर करेगा। इस शरीर का आदर करो,
शरीर आपका आदर करेगा। धर्म का आदर करो, धर्म आपका आदर करेगा। होनी होकर रहेगी, जो बड़े बने फिरते हैं बुद्धि उनका साथ छोड़ देगी। उन्हें माया ऐसे नाच नचाएगी कि बुद्धि काम ही नहीं कर सकेगी। जिसको अपनी बुद्धि पर मान है, अपनी चतुराई से मुझे जानना चाहता है, वह आने वाले समय को देखकर चकित रह जाएगा। श्री गुरुदेव जी इन अगम वचनों द्वारा अपने प्रेमियों को भविष्य में आने वाले भयंकर समय अर्थात देश विभाजन के अवसर पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध चेतावनी दे रहे थे। निरंतर कई दिन तक महाप्रभु ऐसे सत्संग वचन कहते रहे। माया के पर्दे के कारण स्पष्ट रूप से कोई भी उस भेद को ना जान सका। जिसने थोड़ा जाना वह भी चुप रहा। श्री महाराज जी के सम्मुख भला बोलने का साहस किस में होता था। एक दिन कुछ महात्माओं ने श्री महाराज जी से नम्र निवेदन करके सेवा मांगी। दयालु पिताजी, आपकी सेवा दासों को प्राप्त हो, दासों को जो आज्ञा हो वैसे ही किया जाए। किस किस स्थान पर आकर हम दर्शन करें और सेवा पहुंचा सकें, जो गृहस्थी सेवक महाप्रभु की धन द्वारा सेवा करना चाहे उनके लिए क्या आज्ञा है। संतों की इस प्रार्थना को सुनकर श्री इष्टदेव भगवान बोले, आप सभी मेरे सच्चे सपूत सेवक हो। सेवा की सबको चाहना है। जिस पिता का एक ही पुत्र सपूत निकल आए तो वह निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करता है। फिर मेरे तो आप सैकड़ों सपूत सेवक हो, जो सब काम अपने जिम्मे लेकर कर रहे हो। मैं आप सब पर बहुत प्रसन्न हूं। आप उन शिष्यों में नहीं हो जो गुरु को विष देकर गुरु गद्दी संभाल लेते हैं। ना ऐसे गुरु गुरु ही होते हैं और ना ही वह शिष्य शिष्य होते हैं। आपने तो अपनी धन संपत्ति, स्त्री बच्चे सब कुछ न्योछावर कर रखा है। आप में शायद ही कोई ऐसा होगा जो गुरु गद्दी के लोभ से मेरी सेवा करता हो। वास्तव में मेरी गद्दी तो वही है जो मेरी सेवा है। सेवक सदा गुरु गद्दी पर ही होता है। सेवक को गद्दी से क्या प्रयोजन है, वह तो अपनी शोभा सेवा से ही समझता है। आप सबके सच्चे प्रेम और जिज्ञासा को मैं भली भांति जानता हूं। आप सब अनमोल रत्न हैं जो मेरा नाम जगत में प्रसिद्ध करना चाहते हैं। शायद कोई मेरे नाम के द्वारा अपना नाम भी चाहता हो, परंतु सिमरन रहे कि मेरा नाम किसी के पुरुषार्थ अधीन नहीं और ना ही मुझे ख्याति की आवश्यकता है। जो स्वयं प्रकाशित है उसे कौन प्रकाशित करे।